अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, मेरा नाम राणा दानुदर सर है। बहरिया टाउन में स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के हवाले से मैं हमेशा बात करता हूँ। आज कमर्शियल प्लॉट्स के ऊपर इन्वेस्ट करना और उसको कंस्ट्रक्शन प्रोसेस से गुजर के वहाँ पैसे कमाना, इससे मतलब हम बात करेंगे। बहरिया टाउन कराची में इस वक्त कंस्ट्रक्शन रेवोल्यूशन 2021 के नाम से हमने बात की थी। कंस्ट्रक्शन का बूम है और बहुत सारे हमारे ओवरसीज़ दोस्त और यहाँ पाकिस्तान में काम करने वाले बिल्डर्स डेवलपर्स वो बहरिया टाउन में इस वक्त आप समझ लें कि अपना रोल प्ले कर रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। इस वक्त बहरिया टाउन में जो अच्छी हमारे पास ऑप्शन हैं मौजूद हैं, इस हवाले से मैं बात करूँगा कि हमारे 125 गज़ के कमर्शियल प्लॉट्स हैं मिडवे कमर्शियल ए और बी साइड पे। लिबर्टी कमर्शियल में 266 गज़ के प्लॉट्स हैं। ये जो लिबर्टी कमर्शियल के प्लॉट्स हैं इनको कमर्शियल प्लॉट कहा जाता है, लेकिन मैं सेमी कमर्शियल कहता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि ग्राउंड फ्लोर पे आप कमर्शियल शॉप्स, ऑफिसेज या दीगर चीज़ें बना सकते हैं और इसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर से लेके एट्थ फ्लोर तक आप अपार्टमेंट बनाने की परमिशन ले सकते हैं। और अपार्टमेंट बनाएंगे, अपार्टमेंट में ओबियसली फैमिलीज रहेंगी, आप इस तरह से इसको देख सकते हैं। तो लिहाजा इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए हमने कुछ रिसर्च भी की हुई है, कुछ कैलकुलेशंस मौजूद हैं, मैं आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह। मैं कोई रफली आपको बता देता हूँ कि इस वक्त लिबर्टी कमर्शियल 1, 2, 3 तीन डील्स लॉन्च हो चुकी हैं, जो प्रिसिंक 10 है, प्रिसिंक 11 है और प्रिसिंक 8 जो है बहरिया हाइट्स के करीब में जो एरिया आता है, यहाँ ये सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। याद रखिएगा कि ये जितना भी लिबर्टी कमर्शियल का एरिया यहाँ लॉन्च किया गया, ये कोई अलग थलग जगह नहीं है या नई जगह डेवलप नहीं होगी, ये ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, डेवलपमेंट वाली जगह है। और इसमें ख़ास बात यह है कि ऑलरेडी पॉपुलेटेड एरिया के अंदर ये प्रोजेक्ट्स आएंगे, ये प्लॉट सारे पॉपुलेटेड एरिया के अंदर। तो पॉपुलेटेड एरिया जब यहाँ पे आपको पार्क्स, मसाजिद, हॉस्पिटल्स और शॉपिंग गैलरीज, यानी डे टू डे लाइफ में जो आपको चीज़ों की ज़रूरत होती है, जब ये सारी चीज़ें एक जगह पे मौजूद हैं और वहाँ पे अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग्स बने और आपको वहाँ पे अपार्टमेंट बुक करवाना हो, तो मेरा ख्याल है कि ये सबसे अच्छा फ़ैसला होगा, आप लोग करवा सकते हैं। इस वक्त ये बिल्डिंग जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एक के बाद एक जो आपको यहाँ कंस्ट्रक्शन होती हुई नज़र आ रही है, ये कोई बहुत पुरानी कंस्ट्रक्शन नहीं है, ये अभी समझ लें रिसेंटली ये लिबर्टी कमर्शियल का ही प्रोजेक्ट है लेकिन हेड ऑफिस के सामने है। तो ये रिसेंटली बहरिया टाउन ने लॉन्च किया था, आज पिछले साल डेढ़ साल के अंदर ये सारी तब्दीली रूनुमा हुई है और यहाँ पे लोगों ने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की और अल्हम्दुलिल्लाह अब तकमील की तरफ आ गए। अभी जो लोग यहाँ पे 500 गज़ या 1000 गज़ के रिहायशी प्लॉट्स परचेज कर रहे हैं या विलास परचेज कर रहे हैं और उनका पर्पज़ जस्ट इन्वेस्टमेंट है, उन लोगों की तवज्जो मैं इस तरफ दिलाऊंगा कि आप लोगों को इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कमर्शियल प्लॉट्स की तरफ सोचना चाहिए और यही आपके हक में बेहतर है। और देखिए फिजिबिलिटी बहुत अच्छी बनती है, फॉर एग्जांपल अगर आप 266 यार्ड्स का ये कमर्शियल प्लॉट लेते हैं और इसके ऊपर 8 स्टोरी तक बिल्डिंग बनाते हैं, सिंगल प्लॉट की बात कर रहा हूँ, तो इसमें आपको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और प्लॉट की प्राइस निकाल के जब आप इसको सेल पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो अच्छा खासा आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इसमें 3 से 5 करोड़ तक का प्रॉफिट मार्जिन इसमें एक्सपेक्टेड है कि अगर आप एक प्रोजेक्ट को कामयाबी से इंशाल्लाह करना है। फर्दर ये चीज़ बताऊं मैं आपको कि इसमें अगर आप 2 प्लॉट्स को, 3 को या 4 प्लॉट्स को मिला के एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, एक बिल्डिंग बनाते हैं, तो इसमें आपको और मज़ीद आपका यानी प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज़ हो जाएगा। आप इसको यानी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इससे ज़्यादा पैसे आप कमा सकते हैं क्योंकि इसमें फिजिबिलिटी अच्छी बनेगी, स्क्वायर फिट रेट आपको देने हैं और स्क्वायर फिट एरिया आपको सेल करना है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो हमें कमर्शियल एरियाज़ में अच्छा मिल जाता है। कमर्शियल प्लॉट पर फिजिबिलिटी अच्छी बनती है, आपको अच्छा रिटर्न मिलता है, जबकि जब आप विलाज में, प्लॉट्स में या किसी ऐसी प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करते हैं जिसमें आपने कंस्ट्रक्शन फेज से नहीं गुजरना और जस्ट यू आर वेटिंग फ्रॉम द गुड आपको आरओआई मिले, लेकिन इस मुकाबले में आपको ये कमर्शियल इन्वेस्टमेंट बेहतर रहेगी, तो
तो इसकी हमने कुछ प्रेजेंटेशंस बनाई हुई हैं। एहसन राणा हमारी टीम में काम कर रहे हैं जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह आपको फिजिबिलिटीज सारी दे देंगे कि किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए यहाँ पे एलुमिनियम ग्लास से लेके सीमेंट सरिया बजरी से लेके यहाँ पे लिफ्ट्स कौन सी लग रही हैं, उनकी कॉस्टिंग क्या होगी, टाइल्स कौन सी लग रही हैं, यानी मटेरियल से लेके और तकमील तक और फिर उसका सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, वर्किंग मौजूद है। आप ये सारी चीज़ें एहसन राणा से हासिल कर सकते हैं। मैं एहसन राणा को कहूँगा कि फर्दर कुछ अलग से वीडियो बना के उसमें आपको ये प्रेजेंटेशन भी दे, ऑन बोर्ड भी प्रेजेंटेशन दे। और बाकी सॉफ्ट कॉपीज़ पीडीएफ फाइल्स हमारे पास मौजूद हैं जिसमें एहसन भाई ने काफ़ी मेहनत की है, तो आप ये चीज़ें हासिल कर सकते हैं ताकि आप इनसे जो है फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि फर्दर यहाँ पे बहरिया टाउन में जो इस वक्त बूम चल रहा है वो भी अपार्टमेंट की बुकिंग्स का है, क्योंकि अपार्टमेंट की ज़रूरत है इस टाइम भी और आने वाले टाइम में भी। ओवरऑल लोग प्रायोरिटी देते हैं कि हमें यानी स्क्वायर फिट स्पेस मिले, नंबर ऑफ़ बेडरूम्स उसमें मुनासिब हों और मुनासिब कीमत में हमें अगर कोई प्रोजेक्ट है तो वो मिले उसको सेल्स करने के लिए, फिर यहाँ इस टाइम पॉसिबिलिटी बन रही है। प्लॉट्स की कीमतें काफ़ी इंक्रीज़ हो चुकी हैं, लोग प्लॉट्स पे शायद वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं जिन्होंने जस्ट ज़मीनी घरों में रहना है और या इन्वेस्टमेंट करनी है, लेकिन अपार्टमेंट की शक्ल में अगर आप चीज़ लेते हैं तो आपको डबल फ़ायदा है। एक तो बिल्डिंग मटेरियल की कॉस्ट जो बढ़ती जाएगी उसका आपकी प्राइस आज ही लॉक हो जाएगी, उसमें खुदा ना खास्ता आपको कोई हैवी कॉस्ट या डिफरेंस अमाउंट पे नहीं करनी पड़ेगी। और सेकंड ये कि जब ये रेडी हो जाएगा ये आपको रेंटल इनकम भी दे सकता है और आप ख़ुद भी इसमें शिफ्ट हो सकते हैं इन शेप ऑफ प्लॉट। प्लॉट के चक्कर में अगर पड़ेंगे तो सिर्फ कीमतें इंक्रीज़ करने का चलें चांस है, यहाँ खाली प्लॉट तो आपको रेंट नहीं देगा। अल्टीमेटली यू हैव टू गो थ्रू द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, जब कंस्ट्रक्शन की तरफ जाएंगे तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है उसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन आता है, और फिर अगर सिंगल घर बनाते हैं तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ती है। जब बल्क में कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट हो रही होती है या काम करते हैं बिल्डर्स डेवलपर्स तो उनको चीज़ें सस्ती भी पड़ रही होती हैं और उनकी कॉस्ट कटिंग होती है, लेकिन अगर आप एज एन इंडिविजुअल घर बनाएंगे तो उसमें आपको एक हैवी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। लिहाजा ये सारी चीज़ें मैं हमेशा आप लोगों से शेयर करता रहता हूँ। फर्दर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।